दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। यहाँ के मालिक अमन धमीजा, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाता है। अमन धमीजा जी हैं मेरे साथ, इस ऑक्सीजन प्लांट के मालिक। अमन जी, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो अभी बहुत दबाव है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से आता है और कैसे आप गैस फॉर्म में तब्दील करते हैं, बताएं जी। हमें जो लिक्विड आ रहा है वो पानीपत एयर लिक्विड से आ रहा है। वो जो लिक्विड आता है ट्रांसपोर्ट टैंक से, ये हमारा यहाँ सेटिक टैंक है 14 टन का, इसमें डीकेंट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पंप लगा हुआ है जो उस लिक्विड को पुश करता है। ये टैंक इसका क्या नाम है, इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है, बताएं? यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। ये वेपोराइजर है, यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनिफोल्ड में चली जाती है जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं जी। आइए मैं आपको मैनिफोल्ड दिखाता हूँ जी। मैनिफोल्ड उधर? हाँ जी, उधर जी। अब अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस पूरे प्लांट की तस्वीरें दिखाएं और पूरी प्रक्रिया। ये स्टैटिक टैंक है, मैन्युफैक्चर जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण होता है वहाँ से एक बड़े टैंक के जरिए यहाँ आता है लिक्विड फॉर्म में। और अमन जी ये बताइए कि इसकी क्षमता क्या होती है, कितना टन इसमें आता है ऑक्सीजन? टैंक है ये 14 टन का है जी। तकरीबन इसमें ये समझ लीजिए 1500 सिलेंडर भर जाएगा जी। एक बार अगर ये पूरा भर जाता है 1500 सिलेंडर भर जाता है और मैन्युफैक्चरर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आता है, इसमें आप डालते हैं। हाँ जी, तो अभी जो वक्त चल रहा है जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, तो डेली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है? नहीं सर, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। अगर ये 24 घंटे भी चलता रहे तब भी अभी पूर्ति नहीं होगी। आपने बाहर लाइन देखी होगी जी, जो लाइन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 आपने गाड़ियाँ देखी हैं। बिल्कुल, ये बताइए, आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनिफोल्ड है ऑक्सीजन का ये, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं ये 30 बड़े सिलेंडर। कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी, ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये छोटा सिलेंडर है इसको 10 लीटर का कहते हैं। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हों या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। क्या रेट है अभी जो आप लोगों को देते हैं? जी, जो हमारा रेट है इस वक्त जो बड़े वाला सिलेंडर है वो 300 रुपये का है जी, ये 300 का। हाँ, और जो छोटा है वो 100 रुपये का है। 100 रुपये का, वो पीछे में आप देख सकते हैं जो छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं वो 100 रुपये का, गैस की कीमत। हाँ जी, लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के वो इसकी कीमत ये है जी। ये बताइए कि अभी इतने सारे सिलेंडर आपके पास भरे पड़े हैं, पहले इंडस्ट्री में भी आपकी तरफ से सिलेंडर भेजे जाते थे, तो अभी इंडस्ट्री को भेजा जा रहा है या फिर सिर्फ मेडिकल यूज के लिए? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से सिर्फ मेडिकल में जा रहा है, 101% मेडिकल में जा रहा है। और हम चाहते भी नहीं है कि इस वक्त ये गैस कहीं और यूज हो जी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हर पेशेंट को मिले, हर हॉस्पिटल को मिले और जल्द से जल्द मिलाई जाए। तो एक बार में 30 होता है तो कितनी देर में होता है और एक दिन में कितना टोटल करते हैं आप लोग, भरते हैं? तकरीबन 40 मिनट में ये भर जाता है 30 सिलेंडर। और भरने का तो यह, अगर लिक्विड चल आता रहे और प्लांट नहीं रुके तो 24/7 प्रोसेस है ये। तो अभी कैसे, जैसे अभी तो आपका मशीन बंद है क्योंकि लिक्विड है उसमें? अब आ गया है लिक्विड और ये चालू हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले 3.5 टन आया था जबकि आपके स्टेटिक टैंक की क्षमता 14 टन है, तो डेली 14 टन आ जा रहा है? डेली 14 टन तो नहीं आ रहा है, हमें तकरीबन 7-8 टन डेली मिल रहा है। 7-8 टन डेली मिल रहा है क्या, जो गाड़ी आती है वो किसी ना किसी अस्पताल में उतारती हुई आती है जी। मतलब जहाँ पे लिक्विड टैंक्स लगे हुए हैं, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के छोटे टैंक मौजूद है ताकि सीधे वहाँ मरीजों को सप्लाई किया, ताकि यहाँ पे एक तो लाइन नहीं लगेगी उनकी
और फिर दोनों काम हो जाएंगे। तो ये सारे जो आपने गैस सिलेंडर दिख रहे हैं, तो अभी जो किस तरह से आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं, एक तो अस्पतालों को मुहैया कराते होंगे, हाँ क्या निजी तौर पे भी मुहैया कराते हैं? हाँ किसी को? बिल्कुल करा रहे हैं, क्योंकि आज आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर घर में कोरोना है, हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, तो निजी तौर पे कराना बहुत जरूरी है।